नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति से इस वक्त की जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी पर संकट आ चुका है। नायब सिंह सैनी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मनोहर लाल खट्टर ने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, कहीं ना कहीं अपने पद का, अपनी विधायकी का, वो बलिदान, वो त्याग जो है व्यर्थ जाता हुआ दिखाई दे रहा। मामला जुड़ा हुआ है उपचुनाव से, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें उपचुनाव पर रोक लगाने को लेकर मुहर लगाई गई। कोर्ट ने उपचुनाव को होल्ड कर दिया और चुनाव आयोग ने भी उस पर सहमति जता दी। यानी कि मुंबई की एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना था जिस पर होल्ड लग चुका है। और ठीक उसी प्रकार अब हरियाणा प्रदेश में भी एक हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर दी गई है, याचिका लगा दी गई है कि हरियाणा के अंदर जो करनाल सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, उचित नहीं ठहरता, बल्कि आम जनता के ऊपर व्यर्थ ही बोझ डाला जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री का बदलाव होता है हरियाणा प्रदेश में। नायब सिंह सैनी को नया जो है प्रधान चुना जाता है, मुखिया चुना जाता है। 13 मार्च को शपथ होती है और साथ ही मनोहर लाल खट्टर जो है अपने विधायकी से, विधानसभा से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि करनाल जो सीट है वो खाली हो चुकी है और वहां उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से 16 मार्च को आचार संहिता लागू कर दी जाती है पूरे देश के अंदर। इसके साथ ही 26 विधानसभा जो पूरे भारत में है, अलग अलग स्टेट के अंदर है, उनमें उपचुनाव को लेकर भी तारीख तय की गई। हरियाणा में करनाल जो उपचुनाव होने जा रहा है, करनाल सीट के ऊपर, करनाल विधानसभा क्षेत्र में, उसके तारीख लोकसभा चुनाव के साथ 25 मई ही तय की गई। यानी कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, तो उसी दिन करनाल उपचुनाव की भी वोटिंग और पोलिंग होने जा रही है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। हमने बताया कि पूरे भारत के अंदर 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखें तय की गई थी। अब ठीक करनाल की तरह ही मुंबई, महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन उस पर सटे लग चुकी, उस पर रोक लग चुके। चुनाव आयोग ने भी उस चुनाव को होल्ड कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। उस याचिका में कहा जाता है कि जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल भी उचित नहीं। उचित ना होने का कारण यह है कि आम चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बाकी, और अगर एक साल से कम समय आम चुनाव में बचता है, शेष है, तो ऐसे में उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते, बल्कि उस सीट पर चुनाव जो है आम चुनाव के साथ ही होंगे। ऐसा जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत एक अलग से 1996 के अंदर सेक्शन डाला गया था, उसके अंदर ये सारी चीजें कही जाती हैं, लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें 1996 में एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें 151 ए का सेक्शन डाला गया, और उसमें यह कहा गया कि अगर विधानसभा कार्यकाल पूरा होने में एक साल से कम समय बाकी है तो ऐसे में उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। और अगर बात की जाए हरियाणा प्रदेश की, तो यहां पर चुनाव में अब 6 से 7 महीने ही शेष बचते हैं, तो ऐसे में उपचुनाव किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहरता। इसमें बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट हैं, कोई भी अस्पष्टता नहीं बचती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा उपचुनाव पर होल्ड डाला गया, स्टे किया गया, तो ठीक उसी प्रकार अब हरियाणा के अंदर भी एक याचिका दायर की गई है, दाखिल की गई है कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर चंडीगढ़ में, कि उपचुनाव जो करनाल सीट पर हो रहे हैं वो उचित नहीं है। और उसमें जो है महाराष्ट्र की मुंबई हाई कोर्ट की याचिका का हवाला भी दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब जो हरियाणा का हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, वो भी उपचुनाव के ऊपर रोक लगा सकता है, सटे लगा सकता है। और जिस प्रकार महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव को चुनाव आयोग ने होल्ड किया है, ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी होल्ड किए जा सकते हैं। और अगर वास्तव में ही ऐसा होता है तो नायब सिंह सैनी के सामने इस्तीफा देने की नौबत बन सकती, इस्तीफा देने की मुश्किल में नायब सिंह सैनी फंस सकते हैं जो वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए थे।
क्योंकि हरियाणा की विधानसभा में 6 महीने के अंदर अगर कुछ बदलाव किया जाता है तो जिस भी व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। जो नियम व शर्तें लागू होती हैं, जो कानून है, जो अधिनियम है, उनके तहत यही कहा जाता है कि 6 महीने में अगर वो नेता, वो व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री पद का ही क्यों ना हो, अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं बनता है तो ऐसे में उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अगर इसी सूरत में 25 मई को करनाल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव होल्ड कर दिए जाते हैं, कोर्ट द्वारा जो उन पर सटे लगा दी जाती है, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी की बात की जाए, फिर बीजेपी हरियाणा की बात की जाए, वो मुश्किल की घड़ी में फंस सकते हैं, बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि कानूनी पेच जो है चुनाव से पहले भाजपा के सामने फंस चुका है, अड़ गया है। अब कहीं ना कहीं इस मामले की सबसे मजबूत कड़ी जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर जो संशोधन किया गया, बदलाव किया गया 1996 में, उसमें डाला गया 151A का सेक्शन है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में 1 वर्ष से कम समय बाकी है तो ऐसे में उपचुनाव नहीं करवाया जा सकता। उपचुनाव बिल्कुल भी उचित नहीं है, सही नहीं है, और चुनाव आयोग के पास उपचुनाव करवाने का कोई अधिकार नहीं है, यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था। ऐसे में अगर महाराष्ट्र हाईकोर्ट का देखा जाए तो उस लिहाज से हरियाणा के अंदर भी चुनाव रद्द हो सकता है, चुनाव रद्द किया जा सकता है। और अब जो है बीजेपी और नायब सिंह सैनी बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वास्तव में ही उपचुनाव जो है वो रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री जो है फिर बदला जा सकता है, और मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो बीजेपी से वर्तमान में विधायक हो, तो ऐसे में किसी भी विधायक की लॉटरी लग सकती है। और जब से ये खबर सामने आई, चर्चा में आई है, कोई ना कि राजनीतिक गलियारों में भी काफी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर पुरजोर प्रयासों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक नई मुश्किल जो है बीजेपी के सामने खड़ी हो चुकी है उपचुनाव को लेकर। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जहां यह कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी के लिए, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून एक समान है, संविधान एक समान है, तो ऐसे में एक देश एक कानून इस चुनाव को लेकर भी लागू हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, ये देखने वाली बात रहेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जो वास्तविकता है वो सबके सामने है कि जिस प्रकार मुंबई हाईकोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगाई है, चुनाव आयोग ने उपचुनाव को होल्ड कर दिया है महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट के ऊपर, तो ऐसे में अगर वहां होल्ड किया गया है तो हरियाणा के अंदर भी उपचुनाव के ऊपर होल्ड लग सकता है, उपचुनाव को होल्ड पर किया जा सकता है। और होल्ड से तात्पर्य सीधा सा, अगर एक बार होल्ड पर चुनाव को लाया जाता है तो ऐसे में फिर आम चुनाव के साथ ही उपचुनाव होगा, या फिर यह कहा जा सकता है कि आम चुनाव के दौरान पूरी जो है सदस्यता, पूरी जो सरकार ही भंग हो जाती है तो आम चुनाव ही सीधे उस सीट पर हो सकते हैं। नायब सिंह सैनी अब दुविधा में है, दुविधा क्यों, क्योंकि सांसदी भी हाथ से जा चुकी है। अब नायब सिंह सैनी को यह समझ नहीं आ रहा कि वो मुख्यमंत्री बने भी हैं या फिर कहीं ना कहीं उनको किसी बड़ी चाल का मोहरा बनाकर छोड़ दिया गया, क्या वास्तव में ही ये कोई इत्तिफाक है या फिर बीजेपी आलाकमान की, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं उन नेताओं की कोई सोची समझी चाल थी, क्या कुछ हो सकता है ये तो वही लोग बता सकते हैं, भाजपा बता सकती है, या फिर हरियाणा की जनता इस बारे में क्या सोचती है वो कमेंट अपनी राय जरूर रख सकती है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये समझ से परे है। क्या नायब सिंह सैनी को किसी सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार जो है मोहरा बनाया गया, फिर ये महज एक इत्तेफाक है कि नायब सिंह सैनी जिनके हाथ से सांसदी भी जा चुकी है, अब मुख्यमंत्री पद जाने का भी खतरा बना हुआ है, खतरे के जो बादल है नायब सिंह सैनी के ऊपर मंडरा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के ऊपर मंडरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ समय ही बिताया है कि अब उनके सामने इस्तीफा देने की नौबत भी जल्द ही बन सकती है। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कुछ जो है इस याचिका पर सुनवाई का
फैसला आने वाला है, लेकिन जो भी हो मामला बड़ा दिलचस्प है और सवाल जनता के सामने बिल्कुल दिलचस्प खड़ा है कि क्या होने वाला है। और अगर वास्तव में चुनाव होल्ड कर दिए जाते हैं, उपचुनाव नहीं होते हैं, तो उसके बाद क्या होने वाला है, बीजेपी क्या स्टेप उठाने वाली है, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, कॉमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।